सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो हम लोग नेटवर्क थ्योरी में पिछले जो दो तीन वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे KCL के और KVL के ऊपर सेपरेटली और इंडिविजुअली हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो KCL और KVL के ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद अब बारी है बोथ KCL एंड KVL के ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन करने का, ठीक है। तो जब हम एग्जाम में जाएंगे तो तब भी क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बोथ KCL और KVL के ऊपर भी क्वेश्चन आने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन ऑन KVL एंड KCL, ओके। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द करेंट एंड वोल्टेज इन द सर्किट। तो यहाँ पे जो सर्किट मेरे को गिवन है, इस सर्किट का मेरे को करेंट और वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सर्किट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ये है मेरा नोड, ठीक है, एक नोड है, ठीक है। इस नोड में अगर मैं इस नोड पे पहले हम KCL अप्लाई करेंगे, तो इस नोड पे अगर KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज KCL इक्वेशन। I1 मेरा इनकमिंग है, ठीक है, माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो, दिस इज माई KCL इक्वेशन, ओके। उसके बाद अगर हम दोनों के दोनों जो लूप है मेरा, इस लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है। KVL अप्लाई करके हम लोग I1, I2 एंड I3 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये है हो गया मेरा लूप वन, लेट इट बी लूप वन, एंड ये हो गया मेरा लूप टू, ओके। तो ये हो गया लूप वन और ये है मेरा लूप टू, ओके। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अप्लाई KVL। तो KVL में कहाँ पे अप्लाई करूँगा, पहले लूप वन पे, ओके। तो लूप वन पे अगर मैं पहले KVL अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, व्हाट इज द KVL इक्वेशन। तो KVL इक्वेशन हो जाएगा मेरा कितना, माइनस थर्टी, ओके। तो ये हो गया मेरा V1 प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा KVL इक्वेशन, ओके, माइनस थर्टी प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो, ओके। अभी हम क्या करेंगे, जो V1 एंड V2 है तो इसको हम चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, ओके। तो मैं V1 के बदले में लिख सकता हूँ कितना, माइनस थर्टी प्लस V1 के बदले में लिख सकता हूँ I1 एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, प्लस 3 I2 इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, I1 का वैल्यू निकालूंगा। तो व्हाट इज माई I1 वैल्यू, तो I1 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू 30 माइनस 3 I2 बाई 8। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन वन, तो दिस इज माई इक्वेशन वन। तो यहाँ पे मेरा I1 का वैल्यू अभी आ गया। I1 के वैल्यू के बाद अभी हम क्या करेंगे, लूप टू में KVL अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई KVL कहाँ पे करेंगे, इन लूप टू। तो लूप टू में अगर KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मेरा V2 माइनस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कितना, V2 और V3 इज इक्वल टू V2। तो V3 के बदले में मैं क्या पुट करूँगा, V3 दैट इज इक्वल टू 6 I3 एंड V2 कितना हो गया, दैट इज 3 I2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी I3 का वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे I3 का वैल्यू निकालूंगा, व्हाट इज माई I3 वैल्यू, I3 इज इक्वल टू 1/2 I2, दिस इज इक्वेशन टू, क्लियर। तो KVL हम लूप वन में अप्लाई करके I1 का वैल्यू निकाला है एंड लूप टू में अप्लाई करके अभी I3 का वैल्यू मेरे को मिल गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो I3 एंड I1 का वैल्यू है तो इसको हम पुट करेंगे कहाँ पे, हम लोग जो KCL इक्वेशन था, ये मेरा KCL इक्वेशन, यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज माई I1। I1 का वैल्यू कितना है, 30 माइनस 3 I2 बाई 8, ओके, माइनस व्हाट इज माई I2 वैल्यू, I2
माइनस आई थ्री, आई थ्री का वैल्यू कितना है 1/2 I2, ओके 1/2 I2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से मेरे को मिलेगा I2 का वैल्यू। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 8 हो गया लो मेरा डिनोमिनेटर में 30 - 3 I2 - 8 I2 - 4 I2 = 0। तो यहाँ से मेरे को I2 का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 2 एम्पियर। यहाँ से मेरे को I2 का वैल्यू मिल जाएगा 2 एम्पियर, क्लियर। अगर एक बार मैं यहाँ पे I2 का वैल्यू मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे I1 का वैल्यू एंड I3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो I3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर I3 का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो I3 वैल्यू कितना होगा, 1/2 I2 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। I3 हो गया मेरा 1 एम्पियर एंड I1 कितना हो जाएगा 30 - 3 I2 3 × 2/8 दैट इज इक्वल टू 24/8 3 एम्पियर। तो I1 वैल्यू आ गया मेरा 3 एम्पियर, I2 वैल्यू आ गया मेरा 2 एम्पियर एंड I3 वैल्यू आ गया मेरा 1 एम्पियर। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम V1, V2 एंड V3, क्योंकि वोल्टेज भी यहाँ पे मेरे को मांगा है। तो V1 कितना हो जाएगा, व्हाट इज माय V1 वैल्यू, V1 इज इक्वल टू कितना है 8 I1, 8 × I1, I1 का वैल्यू है मेरा 3, 24 वोल्ट। V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा मेरा 3 × I2, I2 का वैल्यू कितना है मेरा, I2 का वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 वोल्ट। एंड व्हाट इज माय V3 आ जाएगा मेरा 6 I3 दैट इज इक्वल टू I3 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1 एम्पियर दैट इज 6 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पे मेरा V1, V2 एंड V3 का वैल्यू मेरे को आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बोथ KCL एंड KVL अप्लाई करके इसको सॉल्व किया हूँ, ठीक है। तो KCL अप्लाई करके मैं करंट निकाला हूँ और KVL अप्लाई करके मैं वोल्टेज निकाला हूँ, ठीक है। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इन द सर्किट गिवन इन फिगर डिटरमाइन द रेशियो ऑफ V2/V1। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में मेरे को मांगा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ V2/V1, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इस सर्किट को ध्यान से देखूंगा तो ये जो है मेरा, ये यहाँ पे V2 जो है, V2 मेरा ओपन सर्किट है। इसका मतलब यहाँ पे करंट जो होगा ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है मेरा, एक डिपेंडेंट सोर्सेस है। ये जो डिपेंडेंट सोर्सेस है, ये मेरा यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है, तो ये मेरा I के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पे बोलूँगा, लेट ये जो नोड है मेरा, ये नोड है मेरा V2, ओके। नोड वोल्टेज मैं इसको V2 दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी क्या होगा, यहाँ पे जो नोड होगा, तो यहाँ पे मेरा कितना करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है, और यहाँ पे कितना करंट आ रहा है मेरा, α I करंट आ रहा है, और यहाँ पे I करंट आ रहा है। तो मतलब ये जो R1, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको मैं R1 ले रहा हूँ, ठीक है, सेम ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा R1 जो है, ये पे रजिस्टर, ये रजिस्टर के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे फ्लो होगा I + α I, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ I1 + α, क्लियर। तो अगर यहाँ पे मेरा I1 + α A करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा R1 I 1 + α, हाँ कि नहीं, वोल्टेज ड्रॉप इतना होगा। और यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे होगा I R1, यहाँ पे होगा मेरा I R1, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम KVL अप्लाई करेंगे लूप में, ठीक है। ये जो लूप है, इस लूप में मैं KVL अप्लाई करूंगा, KVL, ओके। तो ये लूप में अगर KVL अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, KVL इक्वेशन,
दैट इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ वी वन, ओके वी वन बाद वाला साइन ले रहा हूँ, माइनस आई आर वन, ओके माइनस आई आर वन वन प्लस अल्फा, ये हो गया हमारा केवल इक्वेशन। ओके तो अभी देखिए, तो आई आर वन वन प्लस अल्फा, ये जो है वोल्टेज, इस वोल्टेज, ये जो ये वोल्टेज सोर्स है ना, ये किसके अक्रॉस में वोल्टेज सोर्स है, आर वन के अक्रॉस में वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये और ये जो वी टू, ये दोनों मेरा क्या क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो इसको मतलब अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो ये मेरा वी टू का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, इसको लिख सकता हूँ वी वन, वी वन माइनस आई आर वन माइनस वी टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज माई केवल इक्वेशन। क्लियर, ये समझ में आया आपको। देखिए ये जो है आई आर वन प्लस वन प्लस अल्फा, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आई आर वन वन प्लस अल्फा, ये क्या है, ये है एक वोल्टेज सोर्स है। तो ये वोल्टेज सोर्स कौन सा वोल्टेज सोर्स है, जो आर वन रजिस्टर यहाँ पे है इसके अक्रॉस का वोल्टेज सोर्स है। तो ये और वी टू जो दोनों जो है, ये मेरा पैरेलल कनेक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा ये मेरा वी टू के साथ सेम होगा। तो इसके लिए मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ वी टू से। क्लियर, तो ये हो गया हमारा के वी एल इक्वेशन। तो यहाँ से मैं आई आर वन का वैल्यू निकाल सकता हूँ, व्हाट इज माई आई आर वन, आई आर वन इज इक्वल टू कितना होगा, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, दिस इज माई के वी एल इक्वेशन, आई आर वन इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू। ओके उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको क्या मांगा है, वी टू बाई वी वन का रेशियो मांगा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हो गया केवीएल अप्लाई करके, उसके बाद हम केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल अप्लाई करेंगे कहाँ पे, केसीएल अप्लाई करेंगे एट नोड वी टू। नोड वी टू में अगर मैं केसीएल अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, व्हाट इज द केसीएल इक्वेशन। तो मैं पहले बोल के रखा था, अगर मैं वी टू जिस नोड में मैं केसीएल अप्लाई करूँगा उस वो जो वोल्टेज है उसको मैं हायर पोटेंशियल लूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा व्हाट इज केसीएल, वी टू माइनस वी वन बाई आर वन, ओके प्लस वी टू बाय आर वन, ओके देन यहाँ पे जो करंट होगा इस नोड को करंट, ये अल्फा आई जो करंट है ये इनकमिंग करंट है, तो माइनस अल्फा आई, माइनस अल्फा आई, ओके इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज माई के वी केसीएल इक्वेशन। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू आर वन, ओके आर वन वी टू माइनस वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू अल्फा आई। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, टू वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू आई आर वन अल्फा, आई आर वन अल्फा, ओके तो आई आर वन अल्फा। तो अभी देखिए ये जो आई आर वन है ये आई आर वन के बदले में मैं पुट कर सकता हूँ कितना, दैट इज आई टू माइनस वी वन इज इक्वल टू आई आर वन। तो आई आर वन के बदले में मैं वी वन माइनस वी टू पुट करूँगा इंटू अल्फा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टू वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू अल्फा वी वन माइनस अल्फा वी टू, ओके। तो इसको हम ही लिख सकते हैं कितना, तो अभी एक काम करेंगे, तो जो वी टू है उसको वन साइड में ले आएंगे और वी वन को अदर साइड में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टू वी टू प्लस अल्फा वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस अल्फा वी वन, ओके। जो वी टू है मैं इसको वन साइड में ले आया हूँ और जो वी वन है उसको मैं अदर साइड में ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर अल्फा कॉमन ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं वी टू कॉमन ले रहा हूँ, तो टू प्लस अल्फा हो जाएगा,
यहाँ से अगर मैं वी वन कॉमन ले जाऊंगा तो वन प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या मांगा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वी टू बाई वी वन, तो वी टू बाई वी वन कितना हो जाएगा, वन प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई टू प्लस अल्फा, आ गया मेरा आंसर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी मैं बहुत केसीएल एंड केवीएल अप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है जो कि 2015 डबल ई ब्रांच का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस 3 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर आर 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, ओके, विद द पोलैरिटीज मार्क। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दो नेटवर्क मेरे को गिवन है, नेटवर्क वन एंड नेटवर्क टू। तो नेटवर्क वन एंड नेटवर्क टू के बीच में मेरा दो रजिस्टर है, एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो दो रजिस्टर का मेरे को वोल्टेज सोर्स गिवन है, दैट इज 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। एंड क्या फाइंड आउट करना है मेरे को, यहाँ पे फाइंड आउट द पावर डेवलप्ड और डिलीवर्ड बाय 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कितना पावर डिलीवर करेगा, ठीक है। तो इसको मेरे को फाइंड आउट करना है। तो चलिए तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या होगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, द करेंट एंटर टू ए नेटवर्क इज इक्वल टू करेंट लीव टू ए नेटवर्क, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँगा, तो सपोज मैं एक नेटवर्क वन ले रहा हूँ, तो नेटवर्क वन को जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट वहाँ से लीव करेगा, दिस इज माई केसील इक्वेशन, ओके। तो केसील क्या बोल रहा है कि अगर एक पॉइंट, तो इसको मैं नोड मान के चल रहा हूँ, तो नेटवर्क वन एक है मेरा नोड, तो नोड पे कितना होगा, जितना करंट एंटर करेगा उस नेटवर्क के उतना ही करंट क्या होगा वहाँ से लीव करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, तो ये 3 ओम जो रजिस्टर है, तो ये 3 ओम रजिस्टर में यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो मैं बोलूँगा अगर मैं पॉजिटिव में करंट एंटर हो रहा है, तो दिस इज माई करंट डायरेक्शन, कितना होगा करंट का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ओके, दिस इज माई 2 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेटवर्क वन है, नेटवर्क वन में 2 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो 2 ओम रजिस्टर है, 2 ओम रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है वोल्टेज का, तो ये हो जाएगा मेरा 1 एम्पियर। तो मैं बोलूँगा अगर 2 एम्पियर करंट सोर्स यहाँ पे एंटर हो रहा है और 1 एम्पियर करंट सोर्स यहाँ पे लीव कर रहा है, तो बाकी जो यहाँ पे हो गया कितना, जो 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मेरा लेट द आई, तो यहाँ पे करंट मेरे को पता नहीं है, तो लेट द करंट इज आई। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, ये हो गया मेरा केसीएल इक्वेशन, केसीएल इक्वेशन। तो केसीएल इक्वेशन क्या बोल रहा है, जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट यहाँ पे लीव करेगा, ओके। तो यहाँ से मेरे को आई का वैल्यू मिल जाएगा, व्हाट इज माई आई वैल्यू, 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आई का वैल्यू आ गया मेरा 1 एम्पियर, ओके। तो अगर एक बार मेरे को आई का वैल्यू मिल जाएगा, तो आई के वैल्यू के बाद मैं यहाँ पे पावर जो डिलीवर होगा, ये वोल्टेज सोर्स कितना पावर डिलीवर करेगा मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो क्या होगा, व्हाट इज माई पावर डिलीवर, पी डिलीवर इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, वोल्टेज कितना है मेरा यहाँ पे 5 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 5 वाट। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वोल्टेज सोर्स है ये जो सर्किट में, ये वोल्टेज सोर्स 5 वाट पावर डिलीवर करेगा, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फोर इज पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट में व्हाट इज द पावर सप्लाइड अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्या है मेरा 10 वोल्ट सोर्सेस। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा द पावर सप्लाइड बाय पी इज इक्वल टू कितना होगा, वी 10 इंटू आई 10। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा जो 10 वोल्ट सोर्सेस है इसके अक्रॉस में मेरा आई करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज अक्रॉस 10 वोल्ट सोर्सेस
एंड द करेंट अक्रॉस 10 वोल्ट सोर्सेस को मैं अगर मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट सोर्सेस। ओके, तो देखिए तो यहाँ पे वोल्टेज मेरे को पता है कितना 10 वोल्ट, लेकिन करंट यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हम अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ से 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पीयर, तो यहाँ पे मतलब कितना करंट आएगा 3 एम्पीयर करंट। ओके, तो यहाँ पे अगर 3 एम्पीयर करंट और यहाँ पे मेरा आई एम्पीयर करंट जा रहा है तो आई प्लस 3 आएगा यहाँ पे। ओके भाई, यहाँ पे देखिए इस नोड पे कितना करंट है आई प्लस 3, तो यहाँ से 1 एम्पीयर करंट चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा आई प्लस 2 एम्पीयर करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो यहाँ से मेरा आई प्लस 2 एम्पीयर करंट आएगा, तो यहाँ से 2 एम्पीयर करंट चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना करंट आएगा आई करंट आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार क्या किया हूँ, हर एक ब्रांच का करंट अभी कैलकुलेट कर लिया हूँ। ठीक है, तो हर एक ब्रांच का करंट कैलकुलेट करने के बाद तो एक बार मेरे को करंट पता होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इजीली केवीएल अप्लाई करके करंट निकाल सकता हूँ। तो आप बोलेंगे सर हम कहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे, तो देखिए तो केवीएल हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम अगर ये जो लूप है इस लूप पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा ये जो लूप है यहाँ पे, इस लूप में अगर केवीएल अप्लाई करूँगा तो मेरे को इजीली करंट का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन मैं इसी लूप में करंट अप्लाई नहीं, सॉरी केवीएल अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे करंट मेरे को फाइंड आउट करना है, लेकिन जो 2 एम्पीयर करंट सोर्स है यहाँ पे, 2 एम्पीयर करंट सोर्स के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप है ये मेरे को पता नहीं है। अगर पता नहीं है वोल्टेज तो मैं कैसे केवीएल अप्लाई करूँगा, केवीएल अप्लाई यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो आउटर लूप है, ये जो आउटर लूप है पूरा आउटर लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए तो हम बोलेंगे अप्लाई केवीएल इन द आउटर लूप। तो आउटर लूप में मैं अगर केवीएल अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज द केवीएल इक्वेशन, क्योंकि ये जो इनर यहाँ पे जो लूप है इस लूप में मैं केवीएल अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट सोर्स का अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा वो मेरे को मालूम नहीं है। 1 एम्पीयर जो करंट है यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी मेरे को मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा जो आउटर लूप है इस आउटर लूप में मैं केवीएल अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो केवीएल अगर आउटर लूप में अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज द केवीएल इक्वेशन, लेट इट बी -10, ओके सॉरी 10, ओके मैं बाद वाला साइन ले रहा हूँ, 10 -1 आई प्लस 3, ओके -1 आई प्लस 3, देन यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 -2 आई प्लस 3, सॉरी आई प्लस टू, तो फिर आएगा -1 आई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा केवीएल इक्वेशन। ओके, तो ये अगर केवीएल इक्वेशन हो गया तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो करंट का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 10 माइनस आई प्लस 3 माइनस आई प्लस 3 माइनस 2i प्लस 4, ओके देन यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस फोर, देन यहाँ पे आ जाएगा कितना -i -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज माई केवीएल इक्वेशन। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया 4 + 2 = 6, 6 + 3, ओके 10 -10 माइनस कितना आएगा मेरा 4i कितना आएगा -4i
इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू मेरा जीरो एम्पियर। ओके, सो यहाँ पे करेंट का वैल्यू मेरा आएगा जीरो एम्पियर। तो एक बार करेंट का वैल्यू आ जाएगा जीरो एम्पियर, तो व्हाट इज माई पावर, पावर इज इक्वल टू 10 वोल्ट इंटू जीरो एम्पियर, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो वाट, जीरो वाट। सो ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में उसका कितना आंसर है बताना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट आई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो करेंट आई होगा, ये आई का वैल्यू यहाँ पर कितना मेरे को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो करंट आई है, ये मेरा 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस का करंट है। ठीक है, तो ये देखिए जो इनर लूप है मेरा यहाँ पे, तो इनर लूप में यहाँ पे अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे करंट आई एंटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मेरे को पता है व्हाट इज द करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर एंड व्हाट इज द करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 ओम यहाँ पे अगर आई करंट जा रहा है तो यहाँ पे ये जो लूप है, इस लूप में क्या होगा, आई करंट एंटर करेगा। क्लियर, तो मतलब यहाँ पे मेरा 2 ओम एंड 3 ओम जो दोनों रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस का करंट मेरे को पता है, लेकिन जो 10 ओम और 5 ओम है इसके अक्रॉस में मेरे को पता नहीं है व्हाट इज द करंट। तो इसके मतलब क्या होगा, तो आप एक बार काम कीजिए, जो आउटर लूप है मेरा, ये पूरा आउटर लूप में KVL अप्लाई कीजिए, KVL इन आउटर लूप। ओके, तो आउटर लूप में KVL अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई। क्लियर, तो आप एक बार आउटर लूप में KVL अप्लाई कीजिए, KVL अप्लाई करके आप फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, एंड मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। थैंक यू।